नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सेम सेक्स मैरिज के बारे में बात करेंगे। मुझसे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए। साथियों, ये मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, तो ये भी एक संभावना है कि आने वाली मेंस की परीक्षा में इससे संबंधित कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाए। इस टॉपिक पर मेरी वीडियो बनाने की दिली इच्छा थी, परंतु समय अभाव के कारण मैं बना नहीं पाया। एक तो ऑफलाइन क्लासेस वगैरह भी लेनी पड़ती हैं, और दूसरे इन दिनों मुझे स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। दूसरे भी अन्य काम होते हैं, परंतु हम आपकी सेवा में आज उपस्थित हैं। तो आइए सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं कि किन किन बिंदुओं पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम LGBTQ+ कम्युनिटी का अर्थ समझेंगे, क्योंकि मूलभूत अधिकारों की इस बहस को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसका मतलब जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। इसके बाद फिर हम समझेंगे कि समलैंगिकता पर विभिन्न धर्म क्या कहते हैं, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज पर सभी धर्म के धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई है। साथियों, यह एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पर मौलवी, पंडित, पादरी सब सुर में सुर मिलाते हुए नजर आते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इसको भी हम समझेंगे कि क्या ये वाकई हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इसके बाद हम केंद्र सरकार का पक्ष जानेंगे कि आखिर वर्तमान केंद्र सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है। इसके बाद हम समझेंगे कि LGBTQ कम्युनिटी की मांग क्या है, वो चाहती क्या है। इसके बाद हम समलैंगिक विवाह के पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम समलैंगिक विवाह के विपक्ष में दिए जा रहे तर्कों को भी जानने की कोशिश करेंगे। अंत में मैं इस मुद्दे पर अपनी निजी राय भी देना चाहूँगा, जिससे आप सहमत या असहमत हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, और सबसे पहले LGBTQ+ का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। साथियों, सेम सेक्स कपल्स LGBTQIA+ समुदाय का हिस्सा होते हैं। इस समुदाय के लोगों की पहचान उनके पहनावे या अपीयरेंस से नहीं, अपितु सेक्सुअल प्रेफरेंस से होती है। साथियों, L से अभिप्राय है लेस्बियन, अर्थात किसी महिला या लड़की का महिला या लड़की के प्रति आकर्षण। इसी प्रकार G का अभिप्राय है गे, अर्थात जब किसी पुरुष का पुरुष के प्रति आकर्षण हो जाता है तो उन्हें गे कहा जाता है। B से मतलब होता है बाइसेक्सुअल, अर्थात जो व्यक्ति मर्द और औरत दोनों को चाहते हैं। ये व्यक्ति मर्द भी हो सकते हैं अथवा औरत भी। टी से मतलब है ट्रांसजेंडर, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका शरीर पैदा होते वक्त कुछ और था, परंतु बड़े होने पर ये खुद को उसके उलट समझने लगते हैं। जैसे ट्रांसजेंडर वुमेन, पैदाइश के वक्त इन्हें गुप्तांगों के आधार पर लड़का माना जाता है, पर समय के साथ बड़ा होने पर ये खुद को लड़की जैसा महसूस करते हैं। ऐसे ही ट्रांसजेंडर मैन भी होते हैं, जिन्हें पैदा होते समय उनके गुप्तांगों के आधार पर लड़की माना जाता है, पर बड़े होने पर ये खुद को लड़के जैसा महसूस करते हैं। अगला है क्यू, इससे अभिप्राय है क्वीर, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो ना अपनी शारीरिक पहचान तय कर पाए हैं और ना ही शारीरिक चाहत। मतलब ये लोग ना तो खुद को मर्द, औरत या फिर ट्रांसजेंडर समझते हैं, और ना ही गे, लेस्बियन और ना ही बाइसेक्सुअल। ऐसे लोगों को क्वीर कहा जाता है। इसके अलावा साथियों, दो अक्षर और होते हैं आई और ए, आइए इनका भी मतलब हम लोग समझ लेते हैं। आई से अभिप्राय है इंटरसेक्स, अर्थात पैदाइश के वक्त जिस व्यक्ति के गुप्तांगों से ये साफ नहीं होता कि वो लड़का है या लड़की, उन्हें इंटरसेक्स कहा जाता है। ये लोग बाहर से महिला या पुरुष जैसे लगते हैं, परंतु इनके जननांग उस जेंडर से मेल नहीं खाते हैं। अगला होता है ए, इसके साथियों दो अर्थ होते हैं। एक तो है एसेक्सुअल, अर्थात वो व्यक्ति जो किसी भी अन्य व्यक्ति से शारीरिक तौर पर आकर्षित नहीं होता है, और दूसरा है एलाइस, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुद समलैंगिक नहीं है लेकिन उस समुदाय का समर्थन करते हैं। और साथियों, आजकल LGBTQIA के आगे प्लस का चिन्ह भी लगा रहता है। इस प्लस का मतलब है कि इसे कई और समूहों के लिए ओपन रखा गया है जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई। आइए अब जानते हैं कि समलैंगिकता के बारे में धर्म क्या कहते हैं। साथियों, समलैंगिकता सिर्फ अब्राहमी धर्मों जैसे यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में ही वर्जित रही है। अगर सबसे पहले इस्लाम धर्म की बात करें तो इसमें समलैंगिकता को हराम माना गया है, इसको एक गुनाह की तरह देखा जाता है। इस्लामिक धार्मिक ग्रंथ कुरान के अनुसार समलैंगिकता एक अपराध है। महिलाओं में समलैंगिक संबंधों को लेकर इस्लामिक धार्मिक ग्रंथों में उतना जिक्र नहीं है, लेकिन हदीस में इसका जिक्र कहीं कहीं हमको देखने को मिल जाता है। एक हदीस के अनुसार अगर कोई महिला समलैंगिक कृत्यों में लिप्त पाई जाती है तो उसको अवश्य ही सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि समलैंगिकता को पाप माना जाता है। दुनिया के जितने भी इस्लामिक देश हैं वहाँ समलैंगिक लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान। लेकिन दोस्तों, गुनाह या हराम होने के बावजूद भी कुछ उदाहरण हमको इस्लाम धर्म में दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम लोग आलिंगन खिलाफत की पेंटिंग्स देखें तो उसमें पुरुषों का आलिंगन देखने को मिलता है,
इसी तरीके से मुगल वंश की स्थापना करने वाला शासक बाबर भी समलैंगिक था। बाबरी नाम के लड़के से उसका संबंध था। ये बातें उसने खुद अपनी आत्मकथा में लिखी हैं। और कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद का नाम भी बाबर ने उसी लड़के के नाम पर रखा था। इसके अलावा साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के भी मलिक काफूर से जिस्मानी संबंध थे। और मध्यकालीन के सूफी कवियों ने जो कविताएं लिखी हैं उनमें ऐसे ही युवाओं के इश्क को सबसे बड़ा उपमान बनाया गया है। जैसे मध्यकाल के एक ही सूफी कवि सैफी ने अपनी एक फारसी कविता में लिखा है कि किसी की जिंदगी तभी होगी पूरी और खुद में कामयाब जब पास में हो सुंदर लड़का और अच्छी शायरी की किताब। अब आइए जानते हैं कि ईसाई धर्म में समलैंगिकता के बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं। साथियों, ईसाई धर्म के विभिन्न पंथों में समलैंगिकता को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। रोमन कैथोलिक चर्च के अनुसार समलैंगिकता एक विकृत सोच है। समलैंगिक लोगों को इसमें पापी बताया गया है। बाइबल में सोडम शहर का जिक्र आता है जिसे गॉड ने खुद तबाह कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि जब इस शहर में पाप बढ़ने लगा तो गॉड ने इसकी पड़ताल करने के लिए कुछ देवदूत भेजे, लेकिन यहाँ के पुरुषों ने इन देवदूतों का ही बलात्कार करना चाहा। वे उनके साथ समलैंगिक संबंध बनाना चाहते थे। भगवान इससे बहुत नाराज हुए और उन्होंने इस पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। हालांकि रोमन कैथोलिक मान्यताओं के उलट ऑर्थोडॉक्स चर्च में समलैंगिकों के स्वागत की बात हमको देखने को मिलती है। इस तथाकथित अप्राकृतिक सेक्स को इन लोगों के लिए ऑक्सीजन के रूप में बताया गया है। अगर इन्हें एक दूसरे से अलग किया गया तो ये इनके मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है, ऐसा ऑर्थोडॉक्स चर्च में हमको देखने को मिलता है। प्रोटेस्टेंट पंथ भी जो है उसमें भी समलैंगिकता को लेकर उदार रवैया हमको देखने को मिलता है और ये लोग समलैंगिक लोगों की शादी बड़े धूमधाम से करते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ईसाइयत में हमको मिले जुले विचार दिखाई देते हैं। साथियों, वहीं अगर यहूदी धर्म की बात करें तो इसमें भी हमको ईसाइयत की तरह मिले जुले विचार दिखाई देते हैं। पुनर्निर्माणवादी यहूदी धर्म और सुधार यहूदी धर्म समलैंगिक संभोग और सेम सेक्स मैरिज दोनों की अनुमति देते हैं, जबकि परंपरावादी यहूदी धर्म में इसे धर्म के विरुद्ध समझा जाता है। एक जगह पर इसमें लिखा गया है कि यदि कोई पुरुष किसी पुरुष के साथ सहवास करता है तो दोनों ने घृणित काम किया है और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा और उनका खून उनके सर पर ही गिर जाएगा। अब अगर साथियों हम लोग भारत में उत्पन्न धर्मों की बात करें तो जैन धर्म समलैंगिकता की अनुमति नहीं देता है तथा सिख धर्म में इसकी कोई लिखित मान्यता नहीं है, लेकिन 2005 में कुछ सिख संगठनों ने समलैंगिकता को अपने धर्म और इसकी मान्यताओं के खिलाफ बताया था। वहीं अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो इसमें हमको उदारवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। बौद्ध धर्म में 5 उपदेशों को प्रमुख माना गया है और तीसरे उपदेश में क्लियरली बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को यौन दुर्व्यवहार से बचना चाहिए, लेकिन समलैंगिकता यौन दुर्व्यवहार है अथवा नहीं इसकी चर्चा कहीं पर भी हमको दिखाई नहीं देती है। हीन यान शाखा को मानने वाले बौद्ध भिक्षुओं ने समलैंगिकता को यौन दुर्व्यवहार के रूप में नहीं देखा है। जहां तक बौद्ध भिक्षुओं की बात है तो उन्हें आध्यात्मिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार से सेक्स से दूर रहने को कहा गया है। अब आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म में समलैंगिकता के प्रति क्या दृष्टिकोण है। दोस्तों, हिंदू धर्म समलैंगिक लोगों को लेकर उदारवादी दृष्टिकोण रखता है। ऋग्वेद में समलैंगिकता को अप्राकृतिक तो माना गया है, लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि अप्राकृतिक संबंध भी प्रकृति का एक हिस्सा ही है और इस पर दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऋग्वेद के एक सूक्त में लिखा गया है कि विकृति एवं प्रकृति। साथियों, प्राचीन भारतीय समाज सभी प्रकार की विविध संस्कृतियों, कलाओं और साहित्य को अपने में समाहित किए हुए था। महादेव शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर वाला है। पुराणों में भगवान विष्णु का मोहिनी रूप धारण कर शिव जी को रिझाना किसी भी भक्त को अप्राकृतिक अनाचार नहीं लगता है। भगवान अयप्पा का जन्म विष्णु और शिव जी के मिलन से ही हुआ है, ऐसा माना जाता है। माँ गंगा को धरती पर लाने वाले भगीरथ जी की है, जिनका जन्म बताया जाता है कि दो माओं के मिलन से हुआ था। इसी तरीके से महाभारत में अर्जुन की मर्दानगी ब्रह्मनल्ला बनने से कलंकित नहीं होती है। गुप्त काल में रचित महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र में निमोचिए चिकने नौकरों, मालिश करने वाले नाइयों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले पुरुषों का बखान विस्तार से बताया गया है और इस संभोग सुख के तरीके भी इसमें दर्ज हमको दिखाई देते हैं। स्त्रैण गुणों वाले व्यक्तियों को पापी या अपराधी नहीं घोषित किया गया है। स्त्रियों की आपसी रति क्रीड़ा का भी सहज वर्णन हमको दिखाई देता है। खजुराहो के मंदिर हों या उड़ीसा के, उनकी दीवारों पर जो मूर्तियां उकेरी गई हैं, जैसे दो पुरुषों का एक दूसरे को अपना जननांग दिखाना, कामुकता के भाव से एक स्त्री को दूसरे स्त्री का देखना, इनमें भी यही खुली सोच हमको दिखाई देती है। लेकिन साथियों, स्मृति ग्रंथ जैसे मिताक्षरा, नारद
पराशर स्मृति और मनुस्मृति में समलैंगिकता को अप्राकृतिक बताया गया है। और साथियों, आप ये भी जानते होंगे कि स्मृति ग्रंथों का हिंदू धर्म में कोई विशेष महत्व नहीं है। कोई स्वेच्छा से चाहे तो उसको पढ़ सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, लेकिन इसका कोई भी विशेष महत्व हमारे धर्म में नहीं दिखाई देता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो इसका कुल जमासार है कि हिंदू धर्म में समलैंगिकता के प्रति बहुत ही अच्छा और उदार दृष्टिकोण रहा है। समलैंगिकता का विरोध करने वाले हिंदुओं को ये मेरी वीडियो अवश्य रूप से ही देखनी चाहिए ताकि उनकी समझ विकसित हो सके। साथियों, ये तो हो गई विभिन्न धर्मों की बात, अब आइए जानते हैं कि वर्तमान मामला क्या है और LGBTQ+ कम्युनिटी क्या चाहती है। दोस्तों, इसको बैकग्राउंड से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 2018 के एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को हटाकर समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। 2018 के फैसले के बावजूद भारत के LGBTQ+ कम्युनिटी के लोगों में अभी भी सामाजिक अस्वीकृति और भेदभाव व्यापक रूप से बना हुआ है। भारत में LGBTQ व्यक्तियों के लिए कानूनी अधिकार पिछले एक दशक में निश्चित रूप से बढ़े हैं, परंतु इनमें से अधिकांश डेवलपमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से हुई है। 2018 के इस फैसले से समलैंगिक कपल्स भारत में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दिलाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय में कई सारी याचिकाएं दायर की हैं। कुछ मामले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सेम सेक्स कपल्स सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में हैं और इनके परिवार वालों ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए इन्हें स्वीकार किया है। इन्होंने अपने लिए रिंग सेरेमनी भी आयोजित, ये शादी करना चाहते हैं परंतु दुर्भाग्यवश ये कर नहीं सकते हैं क्योंकि भारतीय कानून इन्हें मान्यता नहीं देता है। इसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसी तरीके से एक और याचिका वैभव जैन और पराग विनय मेहता ने डाली है। इन दोनों ने 2017 में Washington DC में शादी कर ली थी, लेकिन न्यूयॉर्क में स्थित काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया ने इनकी शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार डॉक्टर कविता अरोड़ा और डॉक्टर अंकिता खन्ना ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक याचिका दायर की थी, जिससे दिल्ली के कालकाजी के मैरिज अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया। बाद में इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और इन याचिकाओं में ये भी कहा गया है कि विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम की व्याख्या इस तरीके से की जाए ताकि वे समलैंगिक विवाह पर भी लागू हो सकें। एक अन्य याचिकाकर्ता उदित सूद ने विशेष विवाह अधिनियम को जनरल न्यूट्रल बनाने की मांग की है ताकि वो सिर्फ महिला और पुरुष की बात ना करे। इसी तरीके की अन्य याचिकाएं राज्य के अन्य हाई कोर्ट्स में भी दायर की गई थी। इस विषय से संबंधित तकरीबन 20 याचिकाएं दायर की गई थी। इन सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल 2023 को समान लिंग विवाह या सेम सेक्स मैरिज को वैध बनाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट या संसद समलैंगिक विवाह का मार्ग प्रशस्त करेगी अथवा नहीं, लेकिन विवाह समानता पर बहस के लिए जो सवाल सामने आया है वो ये है कि क्या समलैंगिक विवाह एक शहरी अभिजात अवधारणा है या भारतीय संविधान में निहित अन्य अधिकारों की तुलना में अभिन्न अधिकार है।